हेलो, वेलकम इन स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर, ठीक है, और जिसकी लेंथ जो है वो चार ज्यादा है इसकी विड्थ से। हमें बताना है कि जो इसकी डायमेंशन है, मतलब लेंथ और विड्थ, वो कितनी कितनी है। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो एक्स मीटर है और जो विड्थ है वो वाई मीटर है, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि जो हाफ है पेरीमीटर का वो 36 मीटर है। हाफ का मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर को आप 2 से डिवाइड करोगे। आप जानते हो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, उसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस में विड्थ, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 यहाँ पे पहले से है, बराबर में कितना आएगा 36, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, प्लस विड्थ की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई है, ठीक है, बराबर में कितना है 36। तो ये मिल गई हमें हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया था कि जो लेंथ थी वो चार ज्यादा थी विड्थ से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, तो लेंथ की जगह मैंने एक्स लिखा, इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ का मतलब क्या है कि चार ज्यादा है, मतलब मैथ्स में आप लिखोगे 4 प्लस विड्थ कितनी मानी हमने, y, यानी कि 4 प्लस y, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, आप किसी एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, पहले उतार लेता हूं मैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई। तो जहां पे ये एक्स है इसकी जगह मैंने लिखा 4 प्लस वाई। ये 4 प्लस वाई सिर्फ एक्स की जगह है, प्लस में वाई ये बचा हुआ है, तो प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36, ठीक है। अब देखिए वाई प्लस वाई कितने वाई हो गए, 2 वाई, बराबर में कितना बचा हुआ है 36, और जो ये 4 है, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस में। तो यहां से 2y की वैल्यू कितनी होगी, 36 माइनस 4 यानी कि 32। तो 2y की वैल्यू अगर 32 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, 32, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 से आप 32 को काटोगे आपको मिल जाएगा 16। तो यानी कि जो y है उसकी वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब हम बात करें x की, तो x हमारा क्या था, 4 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू है 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 16, तो y के नीचे मैंने लिख दिया 16। 16 और 4 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 20, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x है वो हमारे पास आ गया 20, ठीक है। x और y क्या थे हमारे, x हमारी लेंथ थी और y ब्रेथ थी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो लेंथ है हमारी वो कितनी थी, x, और वो कितना आया 20 मीटर, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी विड्थ या ब्रेथ थी वो कितनी थी, वो हमारी थी y, और y हमारा कितना आया 16 मीटर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लेंथ है वो इससे 4 ज्यादा है, ठीक है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 36, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 36 है, x प्लस वाई क्या होगा, हाफ पेरीमीटर। तो ये हमारा आंसर भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले पार्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस इक्वेशन को इंटरसेक्ट करती है, और दूसरे पार्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस इक्वेशन के पैरेलल है, और तीसरे पार्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस इक्वेशन के कोइंसिडेंट है। तो देखिए पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1 की इक्वेशन है। इसी तरह से हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1 डिवाइड बाय a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 डिवाइड बाय b2 के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप दूसरी इक्वेशन में शुरुआत कहीं से भी कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरुआत किया 4x, ठीक है, प्लस, अब देखिए a1 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाय 4 यानी 1/2। तो इसकी वैल्यू भी 1/2 नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होने के लिए दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये 1/2 कब आएगा, जब यहाँ पे 6 होगा, 3/6 1/2 हो जाएगा। तो मतलब आपको बस 6 नहीं लिखना है, 6 के अलावा कुछ भी आप लिखोगे वो ये डिवाइड बाई ये के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ 6 के अलावा कुछ और लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 8y,
ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डिवाइड बाई 4 बराबर नहीं होता है 3 डिवाइड बाई 8 के, ठीक है ना। मतलब ये वाला केस हो गया, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये होगा इसका आंसर। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 इनके बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ पर 2x और 3y है। आप कुछ भी लिख सकते हो जिनका रेशो बराबर आ जाए, जैसे 2 डिवाइड बाई 2x ही हो गया, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा रेशो, प्लस फिर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी आप 3 लिख दो, तो इसका रेशो भी कितना हो गया 1। 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1, 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 1। मतलब A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 बराबर है, C1 डिवाइड बाई C2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर रेशो 1 आ गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे -8 है, यहाँ भी अगर -8 हो जाए तो रेशो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ और लिख देंगे, -8 की जगह आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे +16 लिख दिया, बराबर 0। अब क्या होगा, देखिए 2 डिवाइड बाई 2 बराबर है 3 डिवाइड बाई 3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है -8 डिवाइड बाई 16 के, मतलब C1 डिवाइड बाई C2 अलग आ गया, तो ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। इसी तरह से हमें कोइंसिडेंट लाइन लिखना था। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, तीनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2 के, और ये बराबर होता है C1 डिवाइड बाई C2 के। तो आपको रेशो सेम रखना है, जैसे कि यहाँ पे 2x है, मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 4x लिखा, ठीक है, तो ये कितने का रेशो है, 1 डिवाइड बाई 2 का, ठीक है ना। 2 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2। तो इसी तरह से आप यहाँ पे डबल है तो इसका मुझे डबल लिखना पड़ेगा, 6y है तो उसका डबल क्या होगा, 3y है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 6y। -8 है तो उसका क्या हो जाएगा, -16 बराबर 0। अब आप देखो 2 डिवाइड बाई 4 1/2 यानी कि, 3 डिवाइड बाई 6 यानी 1/2, -8 डिवाइड बाई 16 -16 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर ये वाला केस हो गया, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन हो गई। ऐसी बहुत सारी लाइन आप सोच सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।